तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आप हमारे सामने प्रेजेंट ऑल न्यू यामा एम टी 15 का फ्रेंड्स बिल्कुल ही न्यू वेरिएंट 2023 वाला मॉडल जो कि फ्रेंड्स फाइनली डुअल चैनल एबीएस के साथ कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइक काफी अच्छे डिजाइन में आ रही है। अगर हम चेंजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर सब आपको मिल रहा है। पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल रहा था बल्ब में इंडिकेटर्स, बट अभी कंपनी यहाँ पे आपको एलईडी में इंडिकेटर्स प्रोवाइड कर रही है। और डिजाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी अच्छा मिल रहा है। ब्लू कलर में प्रेजेंट है, यहाँ पे रेड कलर में प्रेजेंट है और बाइक अभी तुरंत ही अनलोड हुई है। आप देख सकते हैं ट्रक यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक एक करके आपको हम जो डिजाइन है वो यहाँ पे दिखाने वाले हैं बाइक का। तो वीडियो को पूरा देख लें, अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी सलू हमारा हेल्प करेगा बाइक की यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने में। तो डिजाइन आपको हम दिखा देते हैं इसका कैसे यहाँ पे आ रहा है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे बजाज की पल्सर 150 का न्यू मॉडल का ग्राफिक्स काफी अच्छे डिजाइन में आ रहा है। ब्लू वाला तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अब आपको रेड कलर वाला एक बार हम दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये रेड कलर वाला यहाँ पे बजाज की पल्सर 150 है, जिसमें कि आपको यहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाता है कार्बन फाइबर वाला ग्राफिक्स, पल्सर का लोगो मिल रहा है 3D में। और ये एक मतलब 150 सीसी सेगमेंट की काफी अच्छी ऑफरिंग है। अगर आप टायर वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक पैटर्न वाले आपको टायर्स मिल जाते हैं 120 सेक्शन का, जो कि यूरो ग्रिप का है। और यहाँ पे आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स का सेटअप मिलता है 120x80 का, 17 इंच का यहाँ पे टायर्स आपको मिल रहा है। रियर में सस्पेंशन मिल जाता है आपको इंड्योरेंस का, यहाँ पे नाइट्रो गैस चार शॉक एब्जॉर्बर एमटी का आपको लोगो मिल जाता है। और मीटर वगैरह अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही न्यू यहाँ पे मीटर मिल रहा है और काफी अच्छे डिजाइन में कंपनी यहाँ पे आपको मीटर प्रोवाइड कर दे रही है। बाकी अगर हम फ्रंट हेड की बात करते हैं तो फ्रंट हेड से आप डिजाइन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको सेम मिल जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको यूएसडी फोक्स मिल जाता है गोल्डन कलर में। रियर में आपको इसका जो एबीएस है वो हम दिखा देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको एबीएस का जो रिंग है वो दिख रहा होगा, जो कि इस बार कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया है। बाकी आप फ्रेंड्स अगर ओवरऑल में यहाँ पे बाइक का डिजाइन देखते हैं तो आपको सेम मिल जाता है। ग्राफिक्स वगैरह भी यहाँ पे सेम रखा गया है। अभी बैटरी कनेक्शन हो रहा है, जैसे ही फ्रेंड्स बैटरी कनेक्शन हो जाएगा आपको जो इसका मीटर है वो भी हम दिखा देंगे। और फ्रंट में आपको मिल जाता है यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोक्स जो कि रिफ्लेक्टर्स के साथ आ रहा है। बाकी यहाँ से अगर आप देखते हैं इसके मीटर को तो कुछ इस डिजाइन में मिलता है एनालॉग प्लस डिजिटल के कॉम्बिनेशन में। और आपको लुक्स जो है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं साइड से दोनों ही बाइक्स का। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 150 का यहाँ पे रेड वाला कलर, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू वाला कलर। तो अभी स्टॉक जो है वो फ्रेंड्स आ रहा है, अभी जस्ट ये बाइक्स यहाँ पे अनलोड हुई है। अगर आपको फ्रेंड्स बाइक लेनी है तो आप बैद्यनाथ बजाज शोरूम में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा। और दोनों में से यहाँ पे कौन सा कलर आपको बेस्ट लगा है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बस यही था। आप वहाँ भी देख सकते हैं 150 यहाँ पे खड़ा है। और अभी